Happy birthday to you. Happy birthday, dear. सावरिया सिद्ध के टेंपल में मैं बाय पिक आप लोगों को दर्शन करवा सकती हूँ क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 12 बज गई है, वह देखिए खुश और खुश के डैडी भी आ गए, देखो पूरे मंडली खड़ी हो गई है। गुड मॉर्निंग एंड खमा गणिसा। तो हमारी जो मॉर्निंग हुई है वो सांवरा जी में हुई है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो वो चाहते थे कि उनका बर्थडे वहीं सेलिब्रेट हो, तो हमने केक वगैरह काट लिया था रात में। 12 बजे के समथिंग हम पहुंच गए थे मेरी सिस्टर के यहाँ, और सुबह सुबह जल्दी हम सांवरा जी के लिए निकल चुके थे। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, आप देख ही रहे हो। सांवरा जी जाना मतलब एक्चुअल अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करना है। बहुत प्यारा टेंपल है जो बन चुका है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है वहाँ पर। ये देखिए, ये एग्ज़िट और एंट्री यहीं से होती है। तो हम लोग अब एग्ज़िट करने वाले हैं। 12 बजे हमने दर्शन कर लिए थे 12 के पहले, और वहाँ की पानी पताते का भी हमने काफ़ी लुत्फ़ उठाया, काफ़ी अच्छे लगे। और ये देखिए इन लोगों की मस्ती बच्चों की कार के अंदर। काफ़ी अच्छी ट्रिप रही हम लोगों की, ये बहुत इन्जॉय किया। ये देखिए नाइट, अब हम निकल चुके हैं खाटू श्याम के लिए, मतलब उसी टाइम निकल चुके थे 12 बजे के समथिंग ही, उसके बाद ही हम लोग निकल चुके थे। तो ये रात हो गई है, अराउंड इस टाइम हुए थे 11 o'clock, हम लोग जयपुर पहुंच चुके थे। जयपुर से थोड़ा दूर है रिंगस से 10 से 15 किलोमीटर है खाटू श्याम जी। तो ये रिंगस से आगे और खाटू श्याम जी के बीच में हमने खाना खाया था, एक भोजनालय था, खाना अच्छा था, घर जैसा था, बाकी अच्छा खाना था वहाँ का। तो हमने ऑर्डर किया था दाल तड़का, कढ़ाई पनीर और चपाती। तो देखिए वैसे थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोगों का मूड था कि हम रात में ही दर्शन कर लेंगे, बट बच्चों की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर हमने सोचा कि खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाकर अच्छे से दर्शन कर लेंगे। ना मेरे हस्बैंड की जीत थी कि बर्थडे वाले दिन मुझे खाटू श्याम पहुंचना है एनी हाउ, तो उन्हीं की जीत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग निकल पड़े। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, हमने होटल ली थी मामा भांजे का प्यार, और सुबह सुबह हम फटाफट रेडी हो रहे थे। बगैर बच्चे के क्या हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाती है, बच्चों के साथ काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये मेरी सिस्टर है, मेरे भाभी सा है जो कि रेडी हो रहे हैं, मैं सबसे पहले रेडी हो चुकी थी। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहा ली थी, तो अभी ये दोनों रेडी हो रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे सांवरिया सेठ के लिए। तो मिलते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा मार्केट था यार, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी वहाँ जाने के बाद, मीन्स इतनी पॉजिटिविटी, इतना फ्रेश लगना काफ़ी दिनों के बाद फील हुआ। और मीन्स हम लोग 2-2.5 घंटे सोए और सुबह जल्दी उठ गए, नहा धो लिए, बट ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि थक गए हैं या मतलब बहुत फ्रेश लग रहा था। और भैया वहाँ की तो बात ही अलग है, मीन्स स्वर्ग बोलते हैं, और वो सच में स्वर्ग है। खाटू श्याम जी का जो एरिया है ना, वाकई स्वर्ग है, स्वर्ग से बढ़ के है, और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ। इतनी पॉजिटिविटी थी कि
मतलब वो अट्रैक्ट कर रही है अभी भी मुझे, अभी भी मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट टाइम कब जाऊँगी मंदिर, बहुत ज़्यादा इच्छा है मेरी जाने की। और ये देखिए मामी भांजे का प्यार, जीजे कर लो कैसे करते हैं, जीजे कैसे करते हैं, पूरे टाइम इसे खूब इंजॉय किया है कुछ, वो लड़की और वो कर रहे थे ना, वरना बच्चे रोते हैं चिड़चिड़े होते हैं, ये नहीं ये फुल इंजॉय कर रहा था। अच्छा लगा बच्चों को भी वहाँ जाकर, सारी चीज़ें नई चीज़ें जानने को मिली, कढ़ाई सॉरी नॉट कढ़ाई एक्चुअली कड़ी कचौरी हमने वहाँ खाई। और ये देखिए वहाँ पर कुंड के पास है, यहाँ भी काफ़ी अच्छा, एक्चुअली जो मेन मंदिर है उसका तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, बट यहाँ पर क्या खाटू श्याम जी का कुंड है, तो यह कुंड के इन्होंने काफ़ी अच्छा भजन वगैरह सब कर रखा है। तो ये वीडियो मैं ले पाई थी एक वाली क्लिप, तो मैं ऐड कर रही हूँ। तो एक बार मैं बोलना चाहूँगी ज़रूर 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 खाटू श्याम ज़रूर जाना, वहाँ पर जाके आप को एक अलग ही पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी और साथ ही साथ इतना शांत लगेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यदि आपको शांति चाहिए तो एक बार खाटू श्याम जरूर जाओ। जय हो खाटू श्याम बाबा की, बोलते हैं ना हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए थे क्योंकि हमको फिर घर भी पहुंचना था, हमको 2 दिन हो चुके थे और एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था खाटू श्याम का, सडनली प्लान हुआ तो हम लोग आ गए। और देखिए वो आगे भाभी सा और दादा भी बैठे हुए हैं, इधर दोनों साडू साडू, और ये जमाई सा को खूब नींद आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनका वीडियो बनाया जाए। तो देखिए गाड़ी जिधर मुड़ रही उनकी गर्दन एक पल उधर होती एक पल इधर होती। और फिर हम गए पुष्कर जी, मेरे भाई ने बोला कि चलो पास में ही पड़ता है, 35 किलोमीटर के समथिंग था मेन रोड से, तो चलते हैं ब्रह्मा मंदिर है दर्शन करके। तो वहीं देखा हमने मेला लगा हुआ था, मेला एक्चुअली कल लगा था बट आज भी था, कल ज़्यादा मेन था बट फिर भी हमको काफ़ी कुछ मिला, झूले वगैरह, एक्चुअल मेला को काफ़ी अच्छा था, मीन्स सारी चीज़ें इतनी सस्ती इतनी चीप तो मैं सोच नहीं सकती, बट क्या करो टाइम नहीं था तो मैं बहुत कुछ खरीद नहीं पाई, थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन का सामान खरीद पाए और दर्शन करके फिर रिटर्न आ गए। काफ़ी अच्छा मार्केट है, खूब फैला हुआ मार्केट है यार पुष्कर में, अच्छा है फैला हुआ है और मेन तो वहाँ डेकोरेटिव चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती, ये शॉप काफ़ी अच्छी थी, कभी आना हुआ तो मैं इस शॉप पर ज़रूर विज़िट करूँगी। ये देखिए बैगों की दुकान खूब अच्छी थी बट जाके पूछ भी नहीं पाई मैं तो बैग का, सिर्फ देख ही पाई क्योंकि हमको एनी हाउ नाइट में पहुंचना था रानू के यहाँ और बच्चे छोटे हैं इस वजह से हम चाहते थे कि टाइम पे पहुंच जाए। ये ब्रह्मा मंदिर हम लोग आ गए और ब्रह्मा मंदिर के हमने दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ भी। आप यदि जाते हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करें ब्रह्मा मंदिर, ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा मंदिर एक ही है जो कि पुष्कर जी में है। और फिर ये देखिए अजमेर का व्यू काफ़ी अच्छा बना दिया यार अजमेर, मैं 2011 में गई थी तब बहुत गंदी वाड़ा था वहाँ पर, बट आज का अजमेर और वो अजमेर में धरती आसमान का फ़र्क है, काफ़ी अच्छा कर दिया है उसको। वो महाराणा प्रताप की मूर्ति तो क्या बनाई है, मैं उसका क्लिप नहीं ले पाई, मुझसे मिस हो गई थी तब तक मैं क्लिप लेने के, बाकी काफ़ी अच्छी बनाई है महाराणा प्रताप की मूर्ति इन लोगों ने। और यहाँ यही हमारा एंड होता है, हम लोग फिर मंसूर चले गए थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।